उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हैदराबाद में रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने के लिए दोपहर तक वहां पहुंचेंगे। वहां पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर भी जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा तेलंगाना इकाई ने सीएम योगी से यहां आने की अपील की थी। योगी ने वहां नगर निगम के चुनाव के दौरान जनसभाएं और रोड शो में भी शामिल किए थे। तब सीएम ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात कही थी। तो वहीं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिन की बैठक हो रही है। इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री को भी शामिल होना है। कहा जा रहा है कि बैठक में भाजपा अपने दक्षिण भारत विजय अभियान पर चर्चा करेगी। इसके साथ ही मीटिंग के बाद यूपी भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने की संभावना है। तो वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा दक्षिण भारत के मिशन पर फोकस कर रही है। इसी वजह से पार्टी हैदराबाद में कार्यकारिणी की यह बैठक कर रही है। यहां से भाजपा दक्षिण भारत में अपनी पैठ जमाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।